वैभव क्या पसंद है? सब रेडी हो चुका है, कसूरी मेथी आलू सब्जी। हाँ, इस चीज में बताना भूल ही गए। एक चीज दिखाने वाली हूँ। तो वैभव क्या कर रहे हैं? पराठा पका रहे हैं। पराठा पका रहे हैं? आपको पकाना आता है पराठा? कब सीखा? थोड़ी देर बाद सीख लिया है। पराठा आपको बहुत अच्छा लगता है? हाथ से नहीं टच करते, गरम है। मुझे खाने को देंगे? नहीं, नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर सबकी चाय, पराठा, फ्रूट्स, नमकीन, जिसको जो पसंद है सब रेडी हो चुका है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। खाने में आज मैं बना रही हूँ कसूरी मेथी आलू की सब्जी, और बॉयल टमाटर आलू ग्रेवी वाला बन रहा है। तो जब ये बन के तैयार हो जाता है तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे कसूरी मेथी आलू की सब्जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। सूखी सब्जी में कसूरी मेथी आलू है और टमाटर आलू ग्रेवी वाला है, मतलब एक साथ मैंने आलू जो है ना वो बॉईल कर लिए हैं, और उसके बाद एक ही आलू से, मीन्स एक ही बॉईल किए हुए आलूओं से मैं बना रही हूँ दो सब्जियाँ। बन के तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कसूरी मेथी आलू सब्जी जो है ना वो रेडी है, और स्वीट डिज़र्ट में है छौंका, मींस ड्राई फ्रूट का छौंका। ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, तो स्वीट डिज़र्ट में ये है। और सेम पैन अभी जो है ना वो चढ़ा हुआ है, और सेम पैन में ही मैं बनाने वाली हूँ टमाटर आलू की सब्जी। टमाटर आलू की सब्जी जो है ना बनाने के लिए रख दी है, और फिलहाल मैं अभी धनिया साफ कर रही हूँ। अच्छा, धनिया जो है ना आजकल कितनी सस्ती और मतलब अच्छी वाली आ रही है ना, 10 रुपए में मिल जाता है प्रॉपर, एक हफ्ते तक चलने लायक तो आ ही जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गई। जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं आजकल मेरे घर के तलाश में हूँ, मीन्स फ्लैट वगैरह में सर्च कर रही हूँ काफ़ी जगह पे जा जाके। तो फाइनली जो है ना आज, मीन्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन सी जगह मेरा नया फ्लैट जो है ना वो डिसाइड किया हुआ है, और आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को भी मिलेगा कि कब हम शिफ्ट करने वाले हैं, कैसा क्या फ्लैट है, क्या कुछ उसका रेंट है एंड ऑल दैट। बट आज जो है ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सी जगह फ्लैट मैंने लिया हुआ है, और वो फ्लैट जो है ना बाहर से कैसा दिखता है, सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ। पहले तो यार जल्दी जल्दी से पहले ना फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। रहा फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता, इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, मतलब कलर भी अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी लगती है, और जिस भी रेसिपी में हम इसे यूज़ करते हैं तो मतलब अलग ही बात आती है ना। ये जो है ना मेरी टमाटर आलू की सब्जी भी रेडी है, मतलब लोहे की कढ़ाई में टमाटर आलू की सब्जी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली अभी तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो जब भी मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ या आटा वगैरह लगाती हूँ तो मैं इस तरीके से एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, यहाँ 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 ऐसे आटा वाटा लग जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा एप्रन पहन लेती हूँ। मतलब सब्जियाँ वगैरह बनाऊँगी तो नहीं करूँगी, बट जब हम रोटी आटा लगाते हैं तो ज़रूर पहन लेती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो कल रात को, मीन्स संडे नाइट को, मैं देख रही थी कपिल शर्मा शो, और कपिल शर्मा शो देखते देखते मुझे ना मीन्स लहसुन छीलना था, तो काफ़ी सारा लहसुन था, तो मैं छीलते छीलते काफ़ी रात हो गई, और मैं काफ़ी रात तक लहसुन वगैरह छील रही थी। तो लहसुन यहाँ पर मैंने पूरा लहसुन का एक बॉक्स छील के रख लिया है, तो ये क्या है ना कि मैं छील के और इसका जो पानी वगैरह है बस उसको आके सीटी पे आ गई, तो उसको फिर मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तो क्या है ना कि एक चीज़ दिखा दूँ कि मैंने देखिए किस बॉक्स में रखा हुआ है, मीन्स जिसमें जो विम बार आता है ना, जो विम बार आता है हम लोग के बर्तन साफ़ करने वाला, उसी को ही मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, मीन्स इसका जो साबुन होता है वो निकाल के अलग रख लेती हूँ, जो नया वाला बॉक्स होता है उसको मैं अच्छे से साफ़ करके सुखा के फिर उसको इस तरीके से मैं सब्जियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छे से खाइए।
तो इसको वैसे तो बॉक्सेस हम इजीली मार्केट से भी ला सकते हैं, बट ये जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में, मतलब किसी भी कॉर्नर में आप इसको इजीली एक ऊपर एक ऊपर एक करके सेट करके रख सकते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर। बड़े अच्छे से खाते हैं यार। तो फटाफट से रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नया वाला घर। ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो है ना इसी वाले फ्लैट में मुझे घर जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं नए वाले घर में। तो आगे आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कब हम शिफ्ट कर रहे हैं, कैसा क्या अंदर का फ्लैट है, किस तरीके का है, क्या कुछ उसका रेंट है, सब कुछ आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। ठीक है, बाय बाय।